आदाब नमस्कार, दिलबर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद दिलबर। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। आप ये दृश्य देख रहे हैं, मेरठ के वार्ड नंबर 75 का है, गली नंबर 32। यहां गंदगी से लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि गंदगी इतनी है कि यहां मच्छर इतने हो गए हैं कि लोगों में बीमारी फैलने का खतरा है। बार बार शिकायत करते हैं नगर निगम में पार्षद से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। और यहाँ वार्ड नंबर 75 के लोग बार बार जगह जगह चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं। इनके परेशानी का हाल ये है कि बेचारे परेशान हैं और गंदगी से इनकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। अपना दल एस पार्टी के नेता साबिर सूफी और रईस आलम पहुँचे वहाँ लोगों के पास लेकर। हमने उनकी वहाँ राय जानी, आइए जानते हैं लोगों की राय। ये वाली पार्षद ने बनवाई, क्या क्या उनके पास तो हम उनके बनवा देंगे। अच्छा, आपने अपने पैसे से बनाई है? हमने लगाए इसको 3,000। 3,000 रुपये आपने लगाए? पार्षद ने कोई सुनवाई नहीं करी? ठीक, हमें मजदूर आदमी अब कोई हमारे साथ नहीं देवा। भैया बताओ हैं, हम लोग कैसे क्या करें? हमारे सबका बनवा दो भैया, ये सब करवा दो। 75 वार्ड में हमारा सब 75 वार्ड में सभासद क्या करेगा? वो आप पार्षद के पास नहीं गए? गई थी भैया, वो खाली कह दिया कि जो बनवा देंगे, कोई ठिकाने नहीं है, कोई ठिकाने नहीं भैया। पानी भर भर के इतने पानी में चली हूँ भैया, इतने पानी में। पार्षद क्या कहता है इस बारे में? पार्षद क्या करवा देंगे, करवा देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। पार्षद कौन है? हमारे मेहता वाले में सभासद हमारे यहाँ डूबने का अंदर पानी पहुँच जा, बच्चे गिर जा, कितनी परेशानी है हमें। नहीं हम नहीं जाए, इसके क्या करा फिर, क्या हुआ? उनने बेचारे स्पीच देखे, हमको कह दे नाली बना लो, इनमें क्या गुजारा हो रहा बताओ। बच्चे कई गिर गए, जब गए हम ऐसा पास में, बच्चे का मुँह पानी भर गया, गिर गिर गए यहाँ बताओ। तुम कितनी परेशानी है, कोई कुछ चले उठे जानी है। तो रास्ते के बारे में क्या कहता पड़ेगा? रास्ते के बारे में यही है कि रास्ता बंद कर देगा यहाँ सड़ है, कि पानी भर गए यहाँ आगे वालों ने, उन्हें भी सही बात है, उनके ही बच्चे गिरे। जब पीछे वाले को पानी आएगा तो आगे वाले में डूबेंगे ना, डूबेंगे है भाई, फिर इसलिए बंद हो गया। आपको क्या परेशानी है? सबसे ज़्यादा वो परेशानी जब बारिश हो जाती है, नालियाँ भर जाती हैं, रोड भर जाते हैं, उसमें बच्चे गिरते हैं गड्ढों में, बहुत ज़्यादा परेशानी रहे। ये खुल जाते हैं सीवन के ढकने, इनको काम करते हैं फिर यूँ ही छोड़ देते हैं, इनको बनाते हैं जबकि गलियाँ पास है फिर भी नहीं बनाते। अच्छा, पार्सल का कौन है यहाँ? पार्सल है मेहता वाला। तो उसके पास नहीं गए आप? कई बार गए भाई, हमारी गली बनवा दो, उस वाली गली में थोड़ा सा ध्यान दिया है, मगर फिर जाते ही फिर जाते नहीं, ये फिर आते ही। तो यहाँ से मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर नहीं गए? मोहल्ले वाले भी इकट्ठे होकर कई बार चले गए, मगर फिर भी क्या है कि इनका अभी काम चलेगा इसलिए। तो ये गली तो पास है, गली तो पास है? हाँ गली पास है, उधर की गली पास है, उधर की भी नहीं बनी। अब देख लो उसको, काम को कम से कम एक महीना हो गया रुके हुए, काम चालू कराया फिर बीच में रुक गया। आपके मोहल्ले वाले जाते कोई सुनवाई नहीं हो रही? मोहल्ले वाले जाते सुनवाई होती नहीं, सब जाते। मैंने भी 2-3 बार मैंने भी कहा, क्योंकि भाई आज गाड़ी लगा रखी है, आज ये कर रखा है, आज वो कर रखा है, फिर नहीं आता। का स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त साजिद दिलबर। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। पानी घरों में भरता है, एक तो हमारे रास्ते सही नहीं है ये, और दिक्कत बहुत है, कबाड़ा डाल के जाती है पब्लिक, यहाँ मस्जिद भी है ये। अच्छा अच्छा, ये परेशानी है ये हमें। ये देख लो आपके सामने सारा कच्चा रास्ता पड़ा है, पानी आ गया था ये बाहर बारिश का। सरकार तो मतलब पैसा देती है रास्तों का, विकास का, सभासद के सुरथुरु तो विकास नहीं करा सभासद? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, हम सभासद के पास गए भी थे और नहीं कराया किसी ने भी। अच्छा अच्छा, हाँ तो पास हो गए संतरे सारे? हाँ ये पास हो गए, पहले टैल लगी हुई थी पानी की वजह से, भराव कराया हमने अपने पास से, और ये नाली भी बनवा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। पानी इतने थे, हम टैल नहीं भर पाए, पानी इतना। कौन सी कॉलोनी हुई है? न्यू इस्लाम नगर। न्यू इस्लाम नगर कॉलोनी। पार्षद कौन है यहाँ के? मेहता वालम। उनसे क्या था कुछ आपने? हाँ जी, कई बार गए मेहता वालम के पास में, नो करा दूंगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, पूरा 1 साल हो गया, 2 साल हो गए पूरे। परेशानी है हमारे यहाँ, इतना पानी भर जाता है, हम सारे दिन परेशान रहते हैं, नमाज के लिए भी हम जाते हैं या निकलते बाहर को, तो हमें पानी में भीगना पड़ता है हर वक्त। और हमारे ये जो है ये काम भी देखो, कूड़ा कितना हो रहा है यहाँ, कभी भी यहाँ मतलब कूड़ा नहीं उठता। जिस दिन से यू पार्षद हमारा हुआ है, 1-8 बार की तो हम कसम नहीं खाते कि हमारे यहाँ का कूड़ा भी था, और सफाई तो बहुत बड़ी बात है। तो पार्षद के पास आप गए नहीं?
गए पार्षद के पास, कह देते हैं कराऊंगे। अच्छा, क्या नाम है यहाँ पार्षद का? मेहताब आलम। मेहताब आलम, ये वार्ड नंबर कौन सा? 75। ये 75 नंबर वार्ड है। 75 नंबर, गली नंबर 35। गली नंबर 35।